उन्होंने कहा कि आज भी विभीषण का कोई नाम तक रखना नहीं चाहता, उनको घर का भेदी लंका ढावे इस दृष्टिकोण से ही देखते हैं। मैंने कहा मुझे मिल गया सब्जेक्ट, मुझे मिल गया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे मिल गया। कहने लगे क्या मिल गया देवी जी? मैंने मिल गया, आज भी हम विभीषण जो कि नारायण भक्त श्री राम भक्त था, जो धर्म का पक्षधर था, आज भी हम उसका नाम रखना तक पसंद नहीं करते अपने परिवार में। यानी कि आज भी हम विभीषण को रावण के दृष्टिकोण से सोचते हैं, उसे रावण के भाई के रूप में देखते हैं। आज भी हमारा दृष्टिकोण विभीषण के प्रति सिर्फ और सिर्फ रावण के भाई के रूप में है। भगवान श्री राम नारायण के भक्त के रूप में नहीं है, वो धर्म का पक्षधर था। आज भी हम त्रेता युग से द्वापर के होते होते कलयुग में आ गए, मगर हमारा दृष्टिकोण आज भी संसार के रूप में ही है। उसे संसार के रूप में देखते हैं, उसे वो देखते हैं वो किसी का भाई था, उसने गद्दारी की, उसने घर का भेद बताया, उसका नाम तक भी रखना नहीं चाहिए। ये नहीं देखते कि वो राम का भक्त था, धर्म का पक्षधर था, नारायण का भक्त था। तो हम आज तक भी कलयुग में यहां तक आते आते अगर विभीषण को भी नहीं पसंद कर पाए, ये अधर्म का कौन सा रूप है दोस्तों? मैं क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग में जो सब्जेक्ट आया मैंने सोचा सवाल आप तक ही रख देता हूं कि हमने क्या तरक्की की है कि हम राम के पसंद किए हुए की तरफ नहीं जा रहे, हम उसे रावण के भाई के रूप में देख के गद्दार समझ रहे हैं।